है भाई। अच्छा हुआ मैं साइड था, वो देखो आप हवाबाजी चलती है इनकी बहुत ज़्यादा। सो व्हाट्सअप यूट्यूब, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। एंड थैंक यू फॉर द व्यूज़ और सपोर्ट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से, थैंक यू सो मच। ओके सो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, तो चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। थोड़ी रोमांचक रोमांचक जगह पे ले जाएंगे आपको और दिखाएंगे हमारे यहाँ क्या क्या है। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, सोचा था थोड़ी और सुबह निकलूँगा बट नींद नहीं खुली यार। कल रात बहुत ज़्यादा काम था ऑफिस का, तो यू नो थोड़ा काम भी करना ज़रूरी है, और काम नहीं करेंगे तो पता ही है बाइक भी नहीं मिलती, पेट्रोल भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आओ ये है नौ पोखरी, यहाँ पे होगी छठ पूजा और बहुत ही बड़े लेवल में होती है, और यहाँ पे लोग आते हैं घूमने। यहाँ टिकट होती है यहाँ पे शायद 50 रुपये, आई गेस मुझे जहाँ तक पता है 50 रुपये की टिकट होती है। आप पार्क के अंदर घूम सकते हो और काफ़ी कुछ चीज़ें रोमांच ले सकते हो। आज हम एंटर करने वाले हैं ट्रैफिक जोन। रुकने बोलना, गुड बॉय, उधर से हाथ दिखा रहा है। Close your eyes. जाम देख रहे हो कितना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जाम हो रखा है, ये रोज की है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरी बाइक हो गई है पंचर, कोई ना देखते हैं कील कितनी घुसी है या सच में घुसी है, मेरा वहम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक होती है यहाँ पे, रोड वगैरह तो चौड़े हैं बट गाड़ियाँ बहुत हैं। एक्चुअली यहाँ शॉपिंग करने लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काइंड ऑफ हब है, तो जितने भी आसपास के टाउन है वो यही आते हैं सब लोग शॉपिंग करने। भीड़ आपको दिख रही है कितनी ज़्यादा है, तो मैं ओवरटेक करने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल, तो बिल्कुल नहीं। लेफ्ट से निकल सकते हैं तो निकलते हैं लेफ्ट से। अरे हाँ यार, लेफ्ट से तो आराम से निकल सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं बट निकल तो सकते हैं। बूम
बूम बूम बूम। राइडर्स फ्रेंड है हमारे, सभी राइडर्स ब्रदरहुड होना चाहिए। अरे आप टेंशन ना लो, वीडियो में आ रहे हो। हाँ बस आराम से चलाइए और क्या। बिल्कुल हाँ, अच्छा लगता है यार ऐसे, मतलब बिना एटीट्यूड के लोग रहते हैं और ग्रीट करते हैं। मैं भी कर देता हूँ बट अभी मैं बहुत भीड़ में था तो यू नो हाथ उठा नहीं पाया। और अच्छा लगा दोनों को देख के, दोनों फुल हेलमेट में हैं प्रॉपर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आगे जाऊंगा नहीं, रुक जाते हैं, ट्रक को आने दीजिए, वैगनर जाएगी पहले, उसके बाद मैं घुस जाऊंगा यहाँ। यस, तो थोड़ा जगह मिल जाएगी ट्रक वाले को निकलने के लिए। क्या लगता है आपको बताइए, वो एम्बुलेंस को कभी हमें ओवरटेक करना चाहिए? कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो इसके अंदर अभी पेशेंट तो है नहीं है शायद, बहुत ही आराम से चल रहा है, वरना बहुत तेज़ी से चलते हैं तो बहुत हिसाब से। कभी भी आप रोड पर रहिएगा तो एम्बुलेंस को ओवरटेक करने के पहले 10 बार सोचिएगा कि क्या ये करना सही है या नहीं है। ये हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप है, असम ऑयल, इंडियन ऑयल का असम ऑयल, जहाँ पे आप कर सकते हो आप ओवरटेक। हमेशा देख लीजिए। ओ ये ट्रेन जा रही है, कौन सी ट्रेन है पता नहीं, लीडो, गुवाहाटी टू लीडो, लीडो ट्रेन। चिता जी आगे जाइए, गुड वेरी नाइस। तो मेरी आवाज़ यहाँ तक जा रही है क्या इनको बाहर? हाँ आराम से सर। मतलब यार मोबाइल ना अच्छा भी है बुरा भी है, मुझे तो लगता है रोड क्रॉसिंग करते समय मोबाइल का तो उपयोग करना दंडनीय अपराध होना चाहिए। बिल्कुल दिखाता हूँ जहाँ से मैंने अपनी ये बाइक परचेस की है, रॉयल इनफील्ड। ये रही रॉयल इनफील्ड, आप देख सकते हो, ये है रॉयल इनफील्ड जहाँ से मैंने अपनी बाइक परचेस की है। ये देखिए, ये इसी रोड में है, आप आ सकते हो कभी भी। सेफ्टी फर्स्ट, निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। सो इसकी ना, इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत मुझे क्या लगती है ना, इसका जो पावर है, मतलब लाइक आपको अगर ओवरटेक करना है आप 4-5 नंबर पे एक गियर अप डाउन करो और निकाल दो बस, बाकी ये कर देगा सब काम, समझ रहे हो ना आप? अरे भैया, ये जो होते हैं ना भैया ASTC भैया, रॉकेट की तरह चलाते हैं, देख रहे हो? आपने वीडियो में देखा हो या नहीं पता नहीं, बहुत तेज़ी से आया ये,
ये अपना रेलवे स्टेशन है न्यू तिनसुकिया। आप अगर कभी यहाँ आओगे तो यहीं उतारेंगे आपको ट्रेन वाले, और यहीं से फिर आपको जाना है जहाँ पर भी जाना है। यहाँ ऑटो टैक्सी वगैरह सब मिल जाती है आपको, सब के सब मिल जाते हैं यहाँ, बस जेब में पैसे होने चाहिए। ये बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे चिकन विकन मछली वछली सब मिल जाती है, और यहाँ पे पूरा का पूरा भीड़ रहता है। यहाँ सब्जी वगैरह लोकल जो हमारी सब्जियाँ वगैरह होती हैं सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो इस रोड पे सब कुछ मिल जाता है, ये हिजुगुड़ी रोड है, यहाँ सब मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ के लोकल पीपल्स जो है वो आते हैं सब्जियाँ वगैरह अपने लेके, और लोग यहाँ खरीदते हैं फ्रेश, कोई मिलावट नहीं कोई कुछ नहीं। तो चलो थोड़ी बात करते हैं बाइक के बारे में, बाइक की हाईवे क्रूजिंग के बारे में बात करते हैं कि देखो अगर आप हाईवे क्रूज करते हैं इस बाइक पे तो 80 में आपको विंड ब्लास्ट इतना नहीं मिलेगा, लाइक 80 किलोमीटर पर आवर में बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली क्रूज कर सकते हो आप। 90 और 100 में जाने के बाद भी आपको नहीं मिलता है, बट फॉर मी द कम्फर्ट जोन इज 80। आप 80 में चलाओ बढ़िया तरीके से, मज़ा आ जाएगा इसको बाइक को चलाने में। हाँ, एंड बाइक की टॉप स्पीड 130 जाती है, ओके प्रॉपर 125-20 में भी आपको कोई वाइब्रेशन कोई कुछ कुछ नहीं फील होने वाला है। इट्स लाइक मक्खन, कोई भी वाइब्रेशन कुछ नहीं, बढ़िया तरीके से। हाँ, अगर आप लोडेड है, पैनियर्स लगा रखा है आपने और पूरा फुल पैक दो तो आप आराम से क्रूज कर सकते हो यार 110, 100, 115 जो कि बहुत होता है। एंड मुझे बेसिकली हाईवे से ज़्यादा ना ऑफ रोडिंग में मज़ा आता है इस बाइक पे, क्योंकि इसकी सस्पेंशन वगैरह टॉप नॉच, मतलब लाइक मेरे बजट में, मुझे, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, ओके मैं सबका नहीं बता रहा, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मैं बता रहा हूँ कि इसका सस्पेंशन वगैरह एक नंबर लगता है मुझे ऑफ रोडिंग के लिए, मुझे बहुत बेस्ट लगती है बाइक बहुत ज़्यादा। मैं एक महीना हुआ है मेरे को इसका ओनर बने हुए, और एक महीने में मुझे प्यार हो गया इससे। और बाकी लगेज कैरियर की अगर मैं बात करूँ, अगर टूरिंग पर्पस से देखो तो लगेज कैरियर की बात करूँ तो मैं इसको 10 out of 10 दूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आप मैग्नेटिक टैंक बैग यहाँ लगा सकते हो आराम से, आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक टैंक बैग लग जाएगी, ठीक है, आपके जेरी कैंस लग जाते हैं यहाँ पे दोनों साइड में, ठीक है। फुट रेस्ट के लिए देखिए आप, मैंने तो ये लगा रखा है लेग गार्ड, स्टॉक में ये मिलता नहीं, अगर आप ये भी लगा लो, अगर आप देख सकते हो ये अगर आप लगा लोगे आप, मैम पैर कैसे रख के चला रहा हो देखो, तो ये रिलैक्सिंग मोड में आ जाता है आपकी बहुत ज़्यादा। एर्गोनॉमिक्स इसका बहुत बढ़िया है, अगर स्टॉक लोगे तो भी स्टॉक में भी एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, और मैंने बस इस पे एक हैंडल राइजर लगाया हुआ है जिससे कि थोड़ा और मेरा एर्गोनॉमिक्स और परफेक्ट हो गया है। आप नहीं लगाओ तो भी चलेगा, बट थोड़ी मेरे हाइट के लिए मुझे थोड़ा, यू नो आई एम 5.7 समथिंग या 5.8 या सॉरी मतलब 8 के आसपास हूँ, तो एर्गोनॉमिक्स के लिए बेस्ट है। सो पोस्चर अच्छा है आपकी बाइक का, बहुत अच्छे तरीके से आप कंफर्ट जोन में इसको यूज़ कर सकते हो, इसको स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप कर सकते हो, चला सकते हो इसको बहुत आराम से लग जाएगा। सैडल अगर आप लगाना चाहते हो तो सैडल बैग भी पीछे लग जाता है, और रेस्ट आपका पैनियर्स भी लग जाता है इस पे, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट 10 out of 10। ओके, एंड कॉर्नरिंग की अगर बात करें, लाइक अगर मैं कॉर्नरिंग की बात करता हूँ इस सस्पेंशन में, तो मेरे लिए 60 किलोमीटर पर आवर में इट्स वेरी नाइस टू, यू नो, गो इन माउंटेन्स एंड हैव सम कर्व्स, यू नो, इन 60 किलोमीटर्स। 80 और 90 मैं प्रीफर अपने आप को नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊंचा है, अगर आप देखोगे तो थोड़ी बाइक ऊंची है, तो उस हिसाब से 90 मैं प्रीफर नहीं करूँगा। मैं भी खुद नहीं करता हूँ कि 90 में मैं जाके अपना कॉर्नरिंग वगैरह करूँ, 60 इज़ गुड, यू कैन ईजिली, यू नो, डू सम शार्प कर्व्स और लॉन्ग कर्व्स भी आप कर सकते हो 60 में आराम से। सो अगर माइलेज की बात करें तो इट गिव्स यू अराउंड 25 to 30 बहुत आराम से, एंड विद अ टैंक कैपेसिटी ऑफ 15 liters, आई मीन इट शोज 15 liters, यू कैन ईजिली गो अप टू, यू नो, अ गुड मार्जिन ऑफ किलोमीटर्स यू कैन कवर।
अगर मुझे कहेंगे कि भैया आप क्या और मतलब रेकमेंड करते हो आरिको की करें, तो एक तो विंडशील्ड थोड़ी ऊंची हो जानी चाहिए तो ज़्यादा परफेक्ट है, और थोड़ी बहुत हाईवे के लिए ऑप्शनली लाइट वगैरह दे दें यार, इतना तो भूल ही सकते देंगे नहीं देंगे वो नहीं पता, बट इतना तो कह सकते हैं। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ ताकि सीट के बारे में बता सकूँ आप लोगों को। सीट देख रहे हो आप, कुशनी है, काफ़ी ज़्यादा कुशन है। तो अगर आप 150-200 किलोमीटर चला रहे हो ना, तो हल्का सा आपको नंब हो जाएगा आपका बम थोड़ा सा। सेम गोज फॉर पिलियन आल्सो, पिलियन में भी आप देख सकते हो कि कुशन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो मैं प्रीफर करूँगा जेल सीट वगैरह, या फिर होते ना हवा भर के जो सीट लगाते हैं, यू कैन बाई दैट थिंग फ्रॉम अमेजोन, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ओके लेट्स रोल। ओ बहुत तेज आ रही है, देखो इसी की बात कर रहा था, उड़ा उड़ा के चला रहे रे 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 रे, जल्दी पहुंचना होता है। देखो कैसे तेजी से निकला है भाई, अच्छा हुआ मैं साइड था, वो देखो आप हवाबाजी चलती है इनकी बहुत ज़्यादा। यार स्पीड लिमिट होनी चाहिए 40 के ऊपर, बड़ी बड़ी बस तो चले, बढ़िया कोई स्पीड लिमिट नहीं है भैया, गोली की तरह चलाते हैं। सिटी ढाबा, बार सिटी ढाबा, सिटी मोटल लॉज। एज यू कैन सी द बाइक, जितना मैंने रिव्यू दिया है, एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ इस पर कि इंजन गर्म नहीं होता है, इट्स लाइक स्मूथ कोल्ड काइंड ऑफ थिंग। इतना भी क्रूज़ कर लो आप, अगर आप इसको 110 पे भी चला रहे हो, 15 पे भी चला रहे हो, तो इंजन इतना गर्म नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन गर्म होने की। ओके गाइस, तो हम यहाँ खा पी चुके हैं, अब निकलते हैं घर की ओर। अच्छा था खाना यहाँ का। और ये हमारी बाइक आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ना यार, हमेशा से सपना था इसको ख़रीदने का, मेरे को फाइनली पूरा हो गया। Thank you so much for watching this vlog. I'm ending this vlog right now. And please keep supporting and please keep sharing your love to me, subscribing the channel and liking the video. Thank you so much. Bye guys.